जम्मू शहर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है, खासकर जम्मू के अंदर जो है, अब प्रदर्शनों का जोर जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जी हाँ, नई एक्साइज पॉलिसी के आने के बाद जो है, जिस तरीके से टेंडरिंग की गई है उसका लगातार विरोध होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि शहर के हर कोने में, ये कह सकते हैं हर कूचे में जो है, वाइन की दुकानें खुल रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को में गुस्सा और रोष है। और ये देखिए कि यहाँ पर ये शक्तिनगर की तस्वीरें हैं, जहाँ पर कुछ महिलाएं जो हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है सड़क पर बैठकर जो है अपना गुस्सा प्रदर्शन कर रही है। इनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और मांग जो है सिर्फ यही हो रही है कि ये दुकानें जो हैं नहीं खुलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो अब रिहायशी इलाकों के अंदर जो है ये ज़्यादा दुकानें खुल रही हैं, और ये छोटी बच्ची आप देख सकते हैं ये किस तरीके से जो है यहाँ पर मांग कर रही है, हाथ जोड़कर जो है। अब छोटे छोटे बच्चे भी मांग कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम पोखड़ी है, मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ती हूँ। मैं आज पूरा शक्तिनगर में रहती हूँ। मेरे घर के साथ एक वाइन शॉप खुली जा रही है। मोदी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के कहती हूँ, वहाँ वाइन शॉप नहीं खुलनी चाहिए, मेरा भविष्य खतरे में है। मतलब कि आप सुन सकते हैं कि ये छोटी सी बच्ची जो कि फर्स्ट क्लास में पढ़ती है, वो ये कह रही है कि मेरे घर के साथ जो है वाइन की शॉप खुल रही है और इसे ना खुलने दी जाए। इन महिलाओं से बात करते हैं। माता जी, जिया गल करते हैं, नवी पॉलिसी आने के बाद उन शहर के कोने कोने बीच शराब की दुकान खुले, घर के कन्ने दुकान है, ये मेरा घर नहीं खुलन देनी महाराज जी, मैं शराब की दुकान नहीं खोल, और जड़ी मर्जी उनकी दुकान है, जड़ी मर्जी खोल लो, शराब की दुकान है, मेरी बेटियां मेरी बच्चियां पढ़ा निकल के पोत रही, मैं कुत्ते जागना, मैं रंडी मोहाली जनानी कली जनानी है, ये मेरी नूहां ने कुत्ते फिरन कुत्ते फिरन, मैं एकड़ा काम नहीं करना, दुकान नहीं खुलन देनी, इतने मरी जाना, मारी ओड़ो नहीं आखो मेरी सारी गोली कन्ने मारी ओड़ो सारी कुछ नहीं सुन, दुकाना का मिगी हैनी पता, ये दुकान केईं इत्थे केईं गाकी ना बने दे दुकाना दे, केईं गाकी ना दुकाना दे बने दे, इहनू सानू हैनी दुकाना दा पता, एक बब्बू बब्बू खांदे ओह पहले इत्थे दुकाना पर आउंदा सी, उहा रौंदा, और सानू दुकाना दा पता नहीं कुदी दुकान आ कुदी नहीं, उहा दसना नहीं, हाथ जोड़िया नहीं करदे, साफ तौर पर कह रही है कि यहाँ पर ये दुकान जो है वो नहीं खुलने देंगी, और उनका ये कहना है कि ये यहाँ पर अकेली रहती है। मैम क्या कहेंगी, जिस तरीके से हमारा घर है देख सकते हैं आप अपने कैमरामैन से, कहिए ये हमारा घर है, ये यहाँ पे यश वाइन शॉप खुलने जा रही है, ये सब हमारी दुकान है, ठीक है, बिना हमसे ये साथ में ठीक है, हमें बिना पूछे यहाँ पे वाइन शॉप खोली जा रही है, हमसे जबरदस्ती, हमें पूछा तक नहीं किसी ने, जबरदस्ती हमसे ये वाइन शॉप, किसी तरीके से मोहल्ले के अंदर दुकानें खुल रही है, कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा पर बड़ा सवाल उठ रहा है। मैम कहाँ सुरक्षित रहेंगी महिला, यहाँ पे शराबियों की लाइन लगी होगी, क्या हम यहाँ अंदर सुरक्षित हो गए, सुरक्षित होंगे, शराबा की खोलनी है चाहे नहीं, कल मैं पूछा लाए लान आखे ला ले तुंदे घर कोई नहीं, मैं घर कोई नहीं होग, मेरे निके निके बाल बच्चा मेरी धीरे का घर है, कल इतने शराबी कट्ठे हो जाए कि जंगल, और कोई काम खोलो, अस गरीब नहीं है, फैक्ट्री खोलो, उसे फैक्ट्री खोलन, अस काम करने फैक्ट्री खोलो, अस काम करने, काम करियै खन्ने अस, ये शराबा दी दुकाना खोला बाल बच्चा निकल, अस कुत्थे कल जागे, जी अज कल अस कुत्थे जागे, अस मरिये जींदे, अज गै मारी ओड़ो जेह्ड़ा अस कल मरना, अज इंदे कोल दुकान नहीं खुलनी, हां जी दुकान अगर खुलदी ते केह करदी, अस नहीं खोलन देनी, मरी जाना ते दुकान इत्थे गै बेही रौना, इत्थे गै अस दुकान नहीं, होर कोई खोलन, इक ते दुकान खोलन, सब खत्म हो गए, मोदी ने सारे खत्म करी ओड़े, मोदी ने सारे खत्म करी ओड़े, मोदी ने आख्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या सानू नहीं पता, मोदी रोज खबर नहीं दिंदा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या पढ़ाना है, ये सारे दरवाजे च ठेके खोले ने, ये क्या दिखेंगे साड़ियां बच्चियां, साड़ियां कुड़ी जवान है, कौन आएगा साढ़े घर रिश्ता करन, कौन करेगा साढ़े घर रिश्ता, कौन करेगा, ये लोग साढ़ा तरटा बैठी दी, कल अहे मरी जाना, साड़ियां नुआं के करेंगे ना कलियां, साड़ी नुआं वास के पाड़ेंगे साड़ियां नुआं ने, ऐ कल मरी जाना, ऐ दोनों मरी जाना, इन्हें क्या करना बेचारियां, ये निकी निकी कुड़ियां लिया कुत्थे जांगन, केड़ा पास केड़ा शहर जांगन, कुत्थे जिया खांगन कुत्थे मरगन,
तो साफ तौर पर आप सुन सकते हैं कि गुस्सा जो है इन महिलाओं के अंदर है, क्योंकि इनका ये कहना है कि जहां पर देश के प्रधानमंत्री जो है ये नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वहीं जो है अब इस तरीके से जो है घरों के साथ हमने देखा कि जो है शराब की दुकानें खुल रही हैं, कहीं ना कहीं वो बेटियों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से हालात जो हैं बिगड़ते हुए नज़र आ रहे थे, तो उसने को जो है संभालने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर हैं। पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो ये प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या इनके बाद जो है कोई फैसला लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लोग जितने भी लोग जो है सोसाइटीज़ के अंदर रहने वाले लोग जो हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि वो ऐसी दुकानें जो कि शराब की दुकानें हैं, जो कि वाइन शॉप्स हैं, वो अपने इलाकों में नहीं खुलने देंगे। और ये महिलाएं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़कों पर बैठकर जो है यही मांग कर रही हैं कि जो यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है ये इसे कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगी, चाहे इसके लिए इन्हें अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। अब देखना ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या फैसला लेती है, क्योंकि ई टेंडरिंग के प्रोसेस के ज़रिए जो है करोड़ों रुपया देकर जो है ये लाइसेंस लिए गए हैं, और अब उनके विरोध जो है वो लगातार जारी हैं। और लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि इस तरीके से जो रिहायशी इलाके हैं जहां पर जो लोग रह रहे हैं, मंदिर हैं या सोसाइटी है, और वहां पर इस तरीके की दुकानें जो हैं वो कतई नहीं खुलने देंगे। अब इस पर एडमिनिस्ट्रेशन का क्या फैसला होगा ये देखने वाला होगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको पहले भी दिखाया कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कॉरपोरेटर्स हैं वो भी लगातार जो है इसका समर्थन करते हुए नज़र आए, और मांग उनकी भी यही रही कि शहर के बाहर जो है इन सभी दुकानों को शिफ्ट कर देना चाहिए। एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा टेंडरिंग कर दी गई और हालात छोड़ दिए गए लोगों पर, ये आपकी क्या राय है आप ज़रूर साझा कीजिएगा, और बने रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।